अब पता नहीं दोस्तों ये प्रॉपर बात हमें टेलीविजन पे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, लेकिन जस्ट अभी मैंने कुछ ऐसे अपडेट्स देखे हैं, ऐसे क्लिप्स देखे हैं बिग बॉस के जो कि वायरल हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, राखी सावंत जिसने कि पूरी तरीके से अब पलटी मार ली है, वो कुछ और बात कहते हुए नजर आई है राहुल वैद्य को। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। बात करते हैं अब दोस्तों किसके बारे में, राखी सावंत और राहुल वैद्य के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि नॉमिनेशन टास्क में जो है निक्की तंबोली नॉमिनेट हुई हैं और निक्की तंबोली के बेडरूम तक तो उसने किसी को सोने नहीं दिया है। बाहर जो है सब अपनी गोधड़ी लेकर बैठे हुए हैं और यहीं पर राखी सावंत और राहुल वैद्य बातचीत कर रहे हैं, जहां पर राखी सावंत कहती है कि भाई तू एक काम कर, अपनी फ्लाइट चेंज कर, तो अपनी फ्लाइट चेंज कर यानी कि रुबीना से मत झगड़ और फिर देख तू क्या होता है। तो राहुल वैद्य कहते हैं मैं तो झगड़ते नहीं, वही आती है मेरे पास। राहुल वैद्य के स्टेटमेंट्स ये हैं कि वही आती है मेरे पास, और राखी ये देखो ना मेरा उससे झगड़ा होता है, उसका किससे झगड़ा हुआ, और उसका भी तो सिर्फ मेरे से ही होता है। कौन किसको किस तरीके से फ्लाइट में बिठा रहा है ये भी तो देखो। राखी कहती है जो भी है लेकिन तू अभी जब बस फ्लाइट चेंज कर, ठीक है। इस पर दोस्तों राहुल वैद्य कहते हैं कि मैं तो वैसे भी नहीं था, मैं तो वैसे भी पीछे नहीं था। फिर राखी कहती है लोग तो कह रहे हैं। अब लोग, राहुल वैद्य को यहां पर यकीन ही नहीं आ रहा है कि लोग कह रहे हैं करके, वो तो बोलेंगे ऐसा बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ठीक है। मैं मेरी सच्चाई मुझे पता है, राहुल कहता है कि मेरी सच्चाई मुझे पता है, बट शायद राहुल ये बात भूल गए हैं जो कि पत्रकार जो महोदया थी उन्होंने भी बात बोली थी कि हम जनता है, हमें जो दिख रहा है वही हम बोलते हैं, हम यहाँ पे फालतू क्वेश्चन बना के नहीं बोल रहे हैं। तो राहुल को अभी भी इस बात का यकीन नहीं आया है कि शायद मैं सिर्फ और सिर्फ रूबीना के इर्द गिर्द मेरा गेम हो गया है, लेकिन वो अभी भी इस बात को लेकर एडमेंट बैठे हुए हैं कि हाँ यार ये बात तो होगी करके। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन राखी सावंत यहाँ पे क्या कहती है कि तू जीतेगा, तू जीत सकता है, तू भी जीत सकता है, तेरी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है और तू बस फ्लाइट चेंज कर, ये बात कहते हुए आती है। और जिस पर राहुल कहते हैं कि मैं तो कब का चेंज कर दिया, उस वही उसी का ही उससे ही शुरुआत होती है, तुम्हें भी पता है किसका झगड़ा होता है करके, राइट। उसका उसके पास कोई लड़ने के लिए है ही नहीं, मैं ही तो हूं, ये बात कहते हैं राहुल वैद्य। क्या बोलूं मैं। खैर आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहे फीफा फूल्स।